नमस्कार गाइस, स्वागत है हमारी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेमकल कैप्सूल के बारे में। जेमकल डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, जो कैप्सूल, टैबलेट, स्प्रे, सिर्प, लिक्विड, सस्पेंशन के रूप में उपलब्ध है। इस दवा का उपयोग विशेष रूप से कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जेमकल के कुछ अन्य प्रयोग भी हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जेमकल कैप्सूल के मैन्युफैक्चरर है ऑकम लेबोरेटरीज लिमिटेड और सामग्री है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिट्रायल और जिंक। जेमकल इन बीमारियों के इलाज में भी काम आती है, जैसी कैल्शियम की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, सीने में जलन, एसिडिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पोषण की कमी। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो गाइस, जेमकल दवा के सेवन से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे मतली या उल्टी, एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते, घरघराहट, सूजन, त्वचा छीलने, खुजली या जलन। लेकिन गाइस, ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और एक बार इलाज खत्म होने पर समाप्त हो जाती है। फिर भी अगर हालत गंभीर हो जाए तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जेमकल दवा लेने से पहले कुछ सावधानियां जरूर रखना चाहिए, जैसे अगर आपको हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, कैल्शियम की अधिकता, अनियमित दिल की धड़कन, ड्रग एलर्जी है तो जेमकल को न लें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बावजूद भी जेमकल ले सकते हैं। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दवा लेते समय अपनी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। खुराक की बात करें तो गाइस, जेमकल दवा की खुराक अपनी डॉक्टर के अनुसार ही लेना उचित है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए नमस्कार।